और आज ना मैं अपने गांव का दूसरा पार्ट भी दिखाऊंगी आप लोगों को। फर्स्ट पार्ट मैंने आप लोगों को दिखा दिया है और सेकंड पार्ट भी दिखाऊंगी। तो चलते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और यहां से दिख रहा है ये हमारा डुंगरी गांव, और ये इस तरफ सेकंड पार्ट में आप लोगों को दिखा रही हूँ। और बहुत खूबसूरत गाँव है यार हमारा। और इस टाइम पे हवा चल रही है, मस्त लग रहा है। जो ओ दूर दिख रहा है ना, वो है वहाँ पे पंडित लोगों का गांव है, वो है स्वीली, स्वीली गांव, वहाँ पे पंडित लोग रहते हैं। और ये इस तरफ के लिए ये पूरा डुंगरी गांव है भाई हमारे गांव में। तो मैं जिसके घर के ऊपर देख रही हूँ ना, ये कमल का ही चिन्ह लगा रखा है ये छत में भी और यहाँ पे भी। यार जो ये रास्ता है ना, थोड़ा डाउन में है। और पहले ना हम लोग यहाँ से पानी के ड्रम ले लाते थे, पता है। अभी वो याद करके तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो दोस्तों ये है पुराने टाइप के मकान, अभी भी हमारे गांव में हैं। और पुराने पूर्वजों के जो मकान बनाए हुए हैं ना, अभी भी संजो के रखे हुए हैं बहुत अच्छे ढंग से। और सब ने अपने नए मकान निकाल दिए हैं, लेकिन अभी भी ये मकान रखे हुए हैं, है ना। सबके दूर दूर मकान बन गए हैं नई जगह में, लेकिन फिर भी इनका मतलब तोड़ते फोड़ते नहीं है, इन्हीं का मेंटेनेंस किया जाता है और यहीं पे नया घर बनाने के लिए किया जाता है। ये देख सकते हैं कितना साल पुराना घर होगा, फिर भी ना मतलब ये टूट भी गया है लेकिन अभी भी ऐसे का ऐसे ही रखा हुआ है, है ना। पहले के तो इतना मजबूत होता था ना पहले के घर, अंदर देख सकते हैं कितना लाल मिट्टी से लेपा हुआ है ये। और अभी ना यहीं पे कुछ नया बन रहा होगा ना, यहाँ पे ये गिट्टी वगैरह इकट्ठा कर रखे हैं। आजकल ना खेतों में झंगोरा हो रखा है और वो चोलाए जो मार्छा बोलते हैं हमारी भाषा में, ये भी हो रखा है। और आजकल ये सारी लोगों ने ना गुड़ाई कर दी है। और कहीं कहीं पे ना थोड़ा बड़ा हो गया है ना आज, कहीं पे अभी छोटा ही है। और अभी हम दूसरे घर में आ चुके हैं जो कि दादी जी से मिलने आए थे ना, तो यहाँ पे आ चुके हैं। और यहाँ पे दादी जी कहाँ है? प्रणाम रे, ठीक ठाक है, बढ़िया। हाँ ते भेज भी ठीक है, कौक के भेज है जापान। ओ और ये घर के आगे ना कितने प्यारे प्यारे फूल, और बहुत ही बड़ा हो रखा है यार, कितना प्यारा हो रखा है। बहुत बड़ा बड़ा गुलाब का फूल लगाया हुआ है। हमारे उत्तराखंड में भी ना घर के आगे ना बहुत प्यारे प्यारे फूलों से सजाया जाता है, मतलब वाह कितना प्यारा है ना। फूल की तो मैं दुश्मन हूँ, फूल तो मेरे को बहुत प्यारे लगते हैं। यहाँ पे भी ये पिंक कलर का फूल कितना प्यारा लग रहा है ना। और यहाँ आगे से ये सारे खेत हैं, और ये यहाँ पे भी ये पुराने जमाने के घर अभी भी मतलब अच्छे से रखा हुआ है, जबकि यहाँ पे ये नया मकान बना हुआ है और बगल में ही ये पुराना घर। मतलब हर किसी का ही है, एक पुराना घर एक नया घर। पुराना घर भी बिल्कुल भी किसी ने मतलब हाथ नहीं लगाया है, मतलब तोड़ा नहीं है, वो भी संजो के रखा हुआ है। हम नेक्स्ट घर में जा रहे हैं, पुराना दूसरा पार्ट मतलब डुंगरी गांव में आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये है नेक्स्ट घर। और चलते हैं यहाँ पे भी और इधर भी। यहाँ पे मेरे मामी जी लगते हैं, और हस्बैंड साहब को प्यास लग गई है, वो पी रहे हैं पानी। और ना यहाँ पे मामी जी ने लगा रखा है अंगूर का बेल। हमारे गांव में ना आप किसी के घर में भी जाओगे ना, अंगूर का बेल पक्का लगाया हुआ है, और इसमें भी अंगूर आए हैं। ये अंगूर आया हुआ है। और जो ये सामने पे दिख रहा है ना, इसको हमारी भाषा में बोलते हैं बेड़ू। इसमें छोटे छोटे दाने आए रखे हैं ना, और ये भी ना जब थोड़ा बड़ा हो जाता है ना तो पकने के बाद इसको भी खाते हैं।